सो हाँ, तो द थिंग इज फोटॉन्स हिट कर रहे हैं एट द सरफेस, राइट? ये हमने पढ़ा। अब फोटॉन्स हैव देयर फ्रीक्वेंसी, फोटॉन्स की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हमें पता है हर एक लाइट के पार्टिकल की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, और इस फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, है ना? तो सपोज अब वो बात आती है मेटल की, जो मेटल है वो कुछ फ्रीक्वेंसी तक सहन कर सकता है। फॉर एग्जांपल फोटोन की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्स, ठीक है, 5 हर्ट्स है, या सपोज 50 हर्ट्स है, 5 × 10⁻¹⁸ हर्ट्स है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। चलो इजी ले लेते, 50 हर्ट्स ही ले लेते, ठीक है। सो सपोज जो लाइट यहाँ पे हिट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स मतलब 50 फोटॉन पर सेकेंड पे इस पे हिट कर रहे हैं, 50 फोटॉन पर सेकेंड हिट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये मेटल को कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी तरह है, थोड़ा टाइम ये झेल सकता है। कह रहे कोई बात नहीं, 50 हर्ट्स ही तो है, 50 हर्ट्स की लाइट को से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेवर माइंड, ठीक है। फिर तुम एक और बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर स्प्रेड करते हो, ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम। अब फिर से फोटॉन्स है इसके अंदर, दिस लाइट हैज फोटॉन्स, ठीक है, पर अब इसकी फ्रीक्वेंसी है लेट्स अज्यूम 100 हर्ट्स। अब ये इस 100 हर्ट्स पे दी मेटल मेटल इज नॉट एबल टू बियर इट। जैसे तुम्हारा एक सहन शक्ति थी, तुम अपने दोस्त को झेल सकते थे अप टू अ सर्टेन लिमिट, इसी तरीके से मेटल की एक सहन शक्ति है, और वो सहन शक्ति फ्रीक्वेंसी की टर्म में है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को वो सह सकता है। तो यहां पर 100 हर्ट्स को वो सह नहीं सकता, तो मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू विदस्टैंड 100 हर्ट्स लाइट। तो अब बात ये आ रही है कि इसकी सहन शक्ति को क्या बोले। तो सपोज इसकी सहन शक्ति थी 99 हर्ट्स, ये 99 हर्ट्स तक लाइट को सह सकता था, अगर लाइट उससे ज्यादा हो गई तो वो नहीं सह सकता, 99 हर्ट्स तक वो सह सकता है। तो ये उसकी सहन शक्ति, या जिसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, तो बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। तो कैन आई डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। तुम्हें फॉर अ मेटल, ठीक है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल, मेटल के ऊपर होता है ये, क्या है? मेटल, हर एक मेटल की अपनी सहन शक्ति होती है, जैसे हर एक बच्चे की अपने दोस्त को सहने की सहन शक्ति होती है, वैसे एक मेटल की अपनी सहन शक्ति होती है कितना वो लाइट को सह सकता है। तो तुम मुझे बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंट्रोडक्शन तुम्हें क्लियर है, येस और नो?
हाँ उस पे हम आएंगे, बोर मॉडल पे समझेंगे अंश, कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट हुए एटम से। वो एटॉमिक लेवल पे आएगा जब हम बोर मॉडल को स्टडी करेंगे। ठीक है, व्हाट अबाउट एवरीवन एल्स? मॉरियन, निम्रत, खुशी, यस सर, क्लियर है? माइक पे सर बोलिए। यस। ठीक है, सो अब बात आ रही है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ने का। तो देखो, लाइट की एक फ्रीक्वेंसी है, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी है। दिस इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट बोलो या फोटोन बोलो, ठीक है। इसी तरीके से ये भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अच्छा, ये दोनों फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। अच्छा, ये 99 हर्ट्ज किसकी फ्रीक्वेंसी है? ये किसकी फ्रीक्वेंसी है 99 हर्ट्ज? ये मैंने लिखा टेक्स प्लेस। तो 99 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। ऑल्दो इट इज नॉट लाइक मेटल कहीं जा रहा है, मेटल वही है, पर ये एक फ्रीक्वेंसी है मेटल की। हर एक मेटल की अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे हर एक इंसान की अपनी सहन शक्ति होती है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं लिखना, वी हैव टू राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। मेटल की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो यहां पर हम दोनों को एक सिंबल दे देते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम सिंबल देते हैं न्यू नॉट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन को हम लाइट को सिग्नल देते हैं न्यू। तो न्यू और न्यू नॉट दोनों अलग चीज हैं। न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है और न्यू नॉट मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। सो इसको आगे जाते हुए लेट अस अगेन फाइंड अ फॉर्मूला फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को अब हम एक बार डिस्कस करते हुए उसका फॉर्मूला समझते हैं। सपोज दिस इज अ फोटोन, दिस इज अ फोटोन। ये फोटोन में जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अच्छा हिट किया और इसके बदले में मेटल ने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया। तो मुझे बताओ विच नेचर ऑफ लाइट डज इट एक्सप्लेन, पार्टिकल नेचर या वेव नेचर? तो इट एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे सपोज हमारे पास दो बॉल्स है, वी हैव टू बॉल्स, इट इज लाइक यहाँ पे ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी बॉल है, रुकी हुई है, ठीक है। अब तुमने एक और बॉल ली और उस बॉल से यू हिट राइट एट दी दिस बॉल, ठीक है। जब इस बॉल पे तुमने हिट किया तो इट इज लाइक इसने ट्रांसफर कर दी एनर्जी, इट इज ट्रांसफर दी एनर्जी, और क्या होता है, दी अदर बॉल स्टार्ट्स मूविंग, दी अदर बॉल स्टार्ट्स मूविंग, और वो रुक जाती है। इट्स लाइक फोटोन आया और फोटोन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी और इलेक्ट्रॉन चलने लगा और फोटोन खत्म हो गया, ठीक है। तो इट शोज, इट प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इट इज अ एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी सबको, है ना। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सपोज फोटोन की एक एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करना आसान है, E इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। सपोज ये एनर्जी कितने मोमेंट, कितने जूल्स है, ये 5 जूल है,
ठीक है, हर एक काम के लिए कुछ एनर्जी लगती है, राइट? तो सपोज इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वी रिक्वायर थ्री जूल एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी कुछ एनर्जी लगेगी, और अज्यूमिंग कि वो एनर्जी है 3 जूल, 3 जूल एनर्जी लगेगी इसको निकालने के लिए. तो 5 जूल हमारे पास था, 3 जूल हमने खर्चा, बचा कितना? 2 जूल. वो 2 जूल कहाँ गया? वो 2 जूल कहाँ जाएगा? डू वी हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट? यस, वो जो 2 जूल एनर्जी बची, वो 2 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रॉन के पास, एंड इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. जैसे 5 जूल थे, 3 जूल तो निकालने में लग गया और 2 जूल उसको काइनेटिक एनर्जी बन गया. अगर सपोज तुम इस पे डालते अनदर लाइट ऑफ सपोज 15 जूल एनर्जी, 15 जूल की एनर्जी का डालते, तो 15 जूल में 3 जूल निकालने में लगते, क्योंकि वो तो फिक्स रहेगा मेटल का. मेटल का जितना किराया लगता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ही लगेगा. बाकी बचे 12 जूल कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन में. तो द थिंग इज, ये वाला वैल्यू फिक्स है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए, और इसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज दी मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन या लाइट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is not observed. 3 जूल से कम एनर्जी देते तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलता? यस और नो? हेलो. हाँ तनीषा, गुड इवनिंग. अच्छा ठीक है, इवनिंग में करूँगा. अच्छा ठीक है, सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रिकल करना ना. हाँ कोशिश करेंगे, जल्दी कर दूंगा मैं थोड़ा. ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ इवनिंग में. ठीक है. अच्छा, तो अगर 3 जूल से कम एनर्जी देते तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, ये बात तो सबको क्लियर होगी. तो मैं बोल सकता हूं 3 जूल एनर्जी इज दी वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन मतलब इतना तो काम कराने में लग जाता है, 3 जूल तो लग ही जाता है. ठीक है, तो इसलिए 3 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. इट इज द मिनिमम एनर्जी. अगर लाइट की एनर्जी 3 जूल से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा. Is this part clear to everyone? Please write yes or no, everyone. Yes, sir. ठीक है. मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो, अगर 3 जूल जो एनर्जी है ये मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, तो 15 जूल, जैसे अगर 5 जूल एनर्जी लाइट लेके आती है तो 3 जूल तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ही लग जाते हैं, तो बचे 2 जूल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बनती है. तो 3 जूल एनर्जी जो हमेशा लगेगी, चाहे 5 जूल एनर्जी हो लाइट की या 15 जूल हो, ये एनर्जी ऑफ
एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। बाकी बची एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। सो द लेफ्ट ऑफ द एनर्जी बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल इफ 15 जूल इज द एनर्जी ऑफ लाइट, लाइट की एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट इज 15 जूल। 15 जूल में से 3 जूल सपोज उससे निकालने में लग गए, तो 3 जूल इज द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगनी है। तो बचे 12 जूल्स, जो बचे 12 जूल्स हैं दे विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला आता है, एनर्जी ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। अगर हम वर्क फंक्शन निकालना चाहें तो वो होगा एच न्यू नॉट, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आएगी वर्क फंक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस फॉर्मूले में एच न्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन, ये क्या है, इट इज द वर्क फंक्शन। न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट तो हमें पढ़ा था, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम रख सकते हैं हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई हाफ एम ई वी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम याद रख सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10^-31 kg। तो इस फॉर्मूले में हमेशा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पुट होगा अगर वेलोसिटी की बात होगी तो। तो अगर इफ दिस इज क्लियर टाइप यस, नहीं है क्लियर तो टाइप नो। ठीक है, एक क्वेश्चन करें, चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, अभी मेरी दूसरी क्लास है, तो एक थ्योरेटिकल पार्ट करके रखना और एग्जांपल्स ट्राई करना इस टॉपिक के, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है।